छोटा बच्चा 6 किलो छोले खा के खुश खुश हो गया। फॉर्चुनर फॉर्चुनर है, जस्सी बाजी भी कह रहे हैं कि फॉर्चुनर फॉर्चुनर है, फॉर्चुनर तो फॉर्चुनर है। मतलब ओए मोटू, धूप खा रही है ये? धूप से मोटी हो गई है, खूब खाना खाती है, बहुत ज्यादा। टच वुड भाई, गाड़ी मस्त लग रही है। हाँ भैया आए थे, ये इसका ना ये वाला चीज़ जो था ना, जो टूटा हुआ था, मतलब जो निकल गया था, वो अभी मिला नहीं। एक बार श्याम सुंदर जी से बात करते हैं, पार्ट तो आ गया था, अगर होगा तो आज जाके मैं उठा लूँगा, अदरवाइज पता है यहाँ से रस्टिंग आने लगेगी। अगर ये ज़्यादा दिन तक ऐसे ही रहा ना तो इस पर रस्ट आने लगेगा। बाकी चलते हैं ऑफिस। हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल। हैप्पी हैप्पी, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। आपके इतने सारे कमेंट्स, इतने प्यारे कमेंट्स, थैंक यू सो मच। मैंने भी बहुत ना चीज़ें स्क्रैच से स्टार्ट की है, एंड ऐसा नहीं है कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून वाला हिसाब किताब नहीं है भाई, कि अपने सिल्वर स्पून के साथ बहुत सारे पैसों के साथ आए और सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, ये मैंने खुद से बनाया है, खुद से किया है, खुद से चीज़ें मेहनत की हैं, खुद से उस मेहनत का जो फल है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे आ रहा है। बट दिस इज़ नॉट जस्ट, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। एंड चीज़ें और भी अच्छी करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बिना आप लोगों के प्यार के एंड सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं था। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, स्टार्टिंग से प्यार दिया। बीच में ट्रैवलिंग बंद भी किया था 4 महीने, क्योंकि जो नया सेटअप था उसको टाइम देना ज़रूरी था। बट नाउ थिंग्स आर वेरी गुड, ऑटो पायलट मोड पे है, चीज़ें अलाइंड हैं, चीज़ें हर एक चीज़ सही है। जितना भी टाइम मैं यहाँ पे रहता हूँ गुड़गांव में, आई थिंक मेरा 99% टाइम मेरे ऑफिस को ही जाता है, बिकॉज वहाँ भी गाड़ियाँ हैं ना, गाड़ियों से प्यार है यार। हाँ, गाड़ियों से बेतहाशा प्यार है। तो चलो अच्छा है, आज का दिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको बीच बीच में अपडेट दूंगा। एक बार थोड़ा बैंक वैंक में कॉल करता हूँ, उसके बाद आपको अपडेट दूंगा कि अपनी LC कब आ रही है, मतलब ये बैकग्राउंड जो आप देख रहे हो ये कब चेंज होने वाला है। भाई हमने नया प्रेशर वॉशर मंगाया है, ठीक है, बड़ा बड़ा प्रेशर वॉशर, ठीक है, तो इसका ना परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये अपने नए बे के लिए भी है, और ये एक्चुअली भारी भी है, बहुत हैवी वाला है। हाँ बहुत सही, लास्ट प्रेशर वॉशर हमने उड़ा दिया क्योंकि उसमें ना इंजन ऑयल नहीं डाला मैंने, नहीं इन लोगों ने, ठीक है। 50,000 रुपये का प्रेशर वॉशर ख़राब हो गया हमारा, क्योंकि इसमें ना पिस्टन लगा रहता है, और इसमें इंजन ऑयल के लिए है कहाँ पे ऑयल का लेवल? हाँ ये है, लेकिन ऑयल का लेवल इधर दिखा रहा है, दिख रहा है। हाँ ये ऑयल का लेवल है। आज ना एक हमारा वीडियो आने वाला है लेजेंडर के ऊपर, मतलब इस पर ना हमने मैट किया था जो मैंने आपको दिखाया था, भाई बहुत ही, मतलब उसका जो डिटेल्ड वीडियो ना ETU स्टूडियो पे आएगा, तो वो आप जाके देखना, वो हम वीडियो फाइनली चेक कर रहे हैं जी। गुड मॉर्निंग है जी, हेलो जी, आपको भी है जी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल पता है अगर इसके चक्कर में रहते ना तो ना गाड़ी आती ना कुछ, अज्जू भाई सो ही रहते हैं, इसीलिए कल मैंने इसको फोन ही नहीं किया। मैंने बोला था 11 भाई रेस्ट करो वरना हम रेस्ट नहीं करेंगे। उम्मीद करना भाई आज, अरे यार गंदा क्यों आ रहा है? अबे यार गंदा। अब जाके ना कैमरा उठाने का टाइम मिला है, बहुत सारी गाड़ियों पे ना काम चल रहा है, और ये सियाज, हाँ इस पे भी काम चल रहा है, आज ये शायद डिलीवर होनी है। बाकी शाम में भाई बहुत तेज नहीं आवाज आ रहा है, क्यों इसने सुशांत को वीडियो बना के भेज दी, वो मेरे को मैसेज करा तुम सब फ्री बैठे थे, काम करो काम कर लो। अरे भाई तुम्हें पता है ना, मैं भाई ऐसा है कि हम अभी ना किया सेल्टॉस वर्ल्ड की बेस्ट कार में घूमने जाने वाले हैं, हमें घूमने जाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन हमने फिर कीटी की गाड़ी देखी, हमने कहा चल घुमा ला यार, खाली बैठे घुमा ला, हमें थोड़ी मौत के दर्द, मौत के दर्द, हार्ट अटैक दे दो। नहीं नहीं धीरे चल, अरे नहीं 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 यार, अरे अब बड़ी बात देखी, मैं फिर बैक करके मैं मारूंगा फिर। ये तूने मैट का क्या हालत कर रखी है भैया? आपको मैं कह रही हूँ ना, गाड़ी बहुत गंदी हो रही है भाई, ये मैट पूरा ऐसे, पता है कैसे इसको दिखाता हूँ, किटिंग भैया ये कैसा मैट है यार? आप मेरे सलों पे आओ ना, मैंने आपके बालों की धज्जियां उड़ा दी। सीरियसली यार ये सही था भाई, देखो सुन सर, देखो सुन सर, हम भी सेट कर लेंगे इनमें। ओ बो ब्यूटीफुल, एक मिनट रुक जा, वो फोटो खींचो, फोटो खींचो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक मिनट जा, अरे रुक की तो है, हां रुक जा रुक जा, बहुत सुंदर आ रहा है यार। अरे तुम्हें नहीं पता विकास भाई, तुम्हारे पास नहीं है वो ऑप्शन जो मेरे पास है। क्या है? और 5X। अरे
अरे रुक दे यार, कोई बात नहीं, खोल रहे खोल रहे, करो तेरा यार नहीं, खोल दे ला, खोल दे, खोल दिया खोल दिया खोल दिया भाई, आ जाओ आ जाओ, बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। आजकल ना मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे ना, हम सब लोग थोड़ा सा ना कम एक्टिव हो गए, ये पीछे वाला तो बिल्कुल ही इनएक्टिव बंदा है, हमारे साथ रह के भी ना ऐसा लग, देख रहे हो काम कर रहे हैं, सो बेसिकली ना भाई हम स्नैपचैट पे हैं, ठीक है, तो स्नैपचैट का ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाओ सब लोगों को स्नैपचैट पे फॉलो करो, स्नैपचैट पे बहुत सही सही अच्छी बातें होती है, अच्छी मतलब व्लॉग्स के अलावा, व्लॉग्स के अलावा तो दिन का फन होता है बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा फन, हाँ बहुत मजा क्योंकि इंस्टाग्राम पे वो डाल नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल हो जाता है, स्नैपचैट ऐसा है, इंस्टाग्राम प्रोफेशनल टाइप की चीजों के लिए और स्नैपचैट उस टाइप की चीजों के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको ना अनसीन विकास देखना है तो स्नैपचैट पे जाओ, नहीं उसमें अनसीन सारे ही दिखते हैं, सिर्फ विकास ही नहीं, वो विकास डालेगा अनसीन, अज्जू अज्जू डालेगा अनसीन विकास कीर्ति, तो मैं डालूंगी अनसीन विकास, आपसे तो बदला लेना है मेरे को, है ना, वो याद है ये तू दल्ले यार मेरे भाई को कोई गाली दे रहा था, बिल्कुल सही, मैं कह रहा हूँ इसके साथ दो तमाचे भी मारने थे भाई, बिल्कुल हाँ, नहीं नहीं कीर्ति ने मारने थे दो तमाचे, वो तमाचे नहीं मारा, वो गनीमत है, मारना अगली बार तो बिल्कुल मारना, किसको जो जो भी ये बोले, तो विकास भाई बोले दिखाना भी, वो क्या किया वो वाली क्लिप काट के बोल दिया गाली दे रही है, गाली अरे भाई तुम अपने भाई को गाली सुन हाँ, एग्जैक्टली तो गाली कोई गलत चीज थोड़ी ना, अच्छी चीज है, दे देनी चाहिए कुछ, दे ही तो रहे, गाली से तो लर्निंग होती है, आप इनोवेट करते हो, गाड़ी हमने पार्क कर दी है एंड अभी जा रहे इधर भाई, बहुत बहुत तगड़ा, कसम बच गया, क्या गिर गया टायर, अरे हाँ यार भाई लाइट जल रही गाड़ी की, बंद हो जाएगी, ओ महंगी भी तो है, वर्ल्ड कमीना है ना भाई, हमने गाड़ी चेंज कर लिया, ठीक है, कीर्ति गाड़ी अपनी गाड़ी इधर ही रहेगी और अब हम अज्जू भाई की गाड़ी में जा रहे हैं, अब हम कहाँ जा रहे हैं अज्जू भाई, जस्सी गिल भाई के कंसर्ट नहीं यार, कॉन्सेंट ना बैंक में ना कंसेंट साइन करा देते, भैया बैंक में ना हो अब तुम छोड़ दियो, हाँ यार लेकिन बैंकर वाली यू आर मेकिंग वीडियोस, यू आर मेकिंग वीडियोस, नॉट हम बेसिकली कॉन्सर्ट में जा रहे हैं एंड यहाँ से, हाँ ठंड लग रही है, मैंने इसीलिए हल्का जैकेट डाल लिया, बाकी चलो फटाफट चलते हैं, पहले होटल पे जाएंगे उनको पिक करेंगे और फिर वहां से यहीं पे है गुड़गांव में ही है तो फिर वहां पे जाएंगे, मिला जुला के एक्साइटिंग डे, मेरे को आती नहीं है ना पंजाबी, हाँ मैं पंजाबी, मैं बोलूंगा ना ये बोलने के लिए, अच्छा 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 यार चैलेंज पलट दिया पंजाबी, तेज होते देखना, आपको बोलना है साडा बच्चा 6 किलो छोले खा के खुश खुश हो गया, ये तो याद करने बहुत टाइम लग जाएगा, ये तो हिंदी बोल दो, हिंदी भी नहीं बोल दो, 6 किलो छोले खा के खुश खुश हो गया, साडा बच्चा 6 किलो छोले खा के खुश खुश हो गया, पंजाबी अभी भी हिंदी बोल रहा हूँ, पंजाबी में करो, अच्छा ये पंजाबी में, पंजाबी जी बोल रहा हूँ, पंजाबी बोल रहा हूँ मैं, साडा बच्चा 6 किलो छोले खा के खुश खुश हो गया, साडा बच्चा 6 किलो छोले खा के खुश खुश हो गया, अब हरियाणवी टोन तो आएगी ना, इनको इंग्लिश में बताती हूँ जो इनको हरियाणवी में बोलना है ना, फिर मुझे हरियाणवी तो आती नहीं, मुझे बताओ मैं, एक ही वर्ड है आपको बोलना है, यू हैव लॉस्ट योर माइंड, इसको हरियाणवी में, पागल हो गया क्या, नहीं 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 चटक गए हो क्या, चटक गए, अमेजिंग था, अब यहाँ से ना गाड़ी में हम आ गए हैं, अब बस खत्म ही होने वाला है तो दोनों आ जाएंगे फिर अपन होटल ड्रॉप करेंगे राइट, फिर उनकी फ्लाइट है आगे की, तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, ऐसे मजा हिंदुस्तान हर व्यक्ति को देना चाहता हूं, हर व्यक्ति को देना चाहता हूं, तो सब रोक कॉन्सर्ट कराओ ऐसे से ना, फिर हम आएंगे भाई, मैं तो ऑफिस पे आ गया था, कीर्ति भी और अज्जू भाई भी, अब यहाँ से वापस जा रहे हैं, अरे निकाल ली क्या अज्जू, निकाल ली, हाँ गाड़ी निकाल ली, चलो अपन भी रिवर्स करके निकाल लेते हैं गाड़ी और अब वापस से जाएंगे होटल पे, कीर्ति को एक कार टॉक शूट करना है तो उसके लिए कैमरा सेटअप और हमारी फिर गाड़ी, मतलब कीर्ति की गाड़ी में शूट होना है तो गाड़ी इधर थी, मैं मेरे पास थी फॉर्च्यूनर, उससे पहले मेरे पास i20 थी, सबसे पहले लेंसर थी फिर i20 फिर अपनी गाड़ी लेके आया मैं फॉर्च्यूनर, जो अपने पैसों से ली, सबसे पहली गाड़ी फॉर्च्यूनर ली थी, जिसका जिसकी वजह से मुझे बहुत स्पेशल है वो गाड़ी,
बट उसकी सबसे खास चीज ये थी कि वो मैंने 2.5 लाख आई थिंक 2,45,000 समथिंग इतना हमने चला दी थी वो। कभी उस वो ऐसे नहीं है कि कहीं रोड पे खड़ी हो गई हो। और जब मैंने वो सेल की तब भी इतने अच्छे प्राइस में वो सेल हुई कि मुझे ऐसे लगा कि यार बड़ी अच्छी चीज़ है। और उसका इंजन ऐसा था कि जो भी चला के आया उसको भी ये नहीं लग रहा था कि इतने ज़्यादा किलोमीटर चल गई है ये गाड़ी, तो इसलिए बहुत अच्छे प्राइस में बिकी वो गाड़ी। तो मैं विलार लेके आया, तो विलार जब मैं लेके आया तो मैंने डैडी को बताया कि मैं रेंज रोवर लेके आया हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कितने लोग बैठते हैं, मैंने बोला 5। बोले इससे अच्छी तो फॉर्च्यूनर थी, 7 लोग तो बैठ जाते थे, ये क्यों लेके। मैं कहा जितनी की मैं ये लेके आऊँ 2 फॉर्च्यूनर आएंगे। बोले कि नहीं फॉर्च्यूनर है। फिर मुझे वो गाड़ी चलाते हुए फील हुआ कि जो ये है ना, जब आप बैठे हो ऊपर, आपको सामने वाली गाड़ी के ऊपर से दिख रहा है आगे क्या है, ये फील ही अलग है। मतलब अगर इंडिया में आपको ड्राइव करना है और आपके पास ऐसी गाड़ी है तो आप रोड पे मतलब राजे हो, इस तरीके से जाते हो। तो फॉर्च्यूनर मेरे लिए इसलिए, अभी भी हमने जो शोज के लिए ट्रैवल गाड़ी हमने रखी हुई है, वैसे मैंने डिफेंडर ले लिया, हमारे पास जो दूसरी गाड़ी है वो फॉर्च्यूनर ही है। मतलब हमें जो लॉन्ग जब हम ट्रिप पे जाना होता है, हम दिल्ली शोज के लिए कहीं भी शोज के लिए जाते हैं बाय रोड, तो हम रेंज रोवर सॉरी फॉर्च्यूनर में जाते हैं। तो ये मेरा पक्का है। देखो जस्सी बाजी भी कह रहे हैं कि फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर तो फॉर्च्यूनर है, मतलब इंडिया की बेस्ट गाड़ी है फॉर्च्यूनर, कहीं पे भी ले जाओ कहीं। और एलसी के लिए क्या ख्याल है आपका? एलसी जो पहले आती थी मुझे बड़ी अच्छी लगती, V8 ना? हाँ जी, हाँ। उसकी शेप और उसका जो लुक थी बहुत रगेड दानव। अभी जो थोड़ी अभी थोड़ा लग्जरी बनाने के चक्कर में ना, पता नहीं मे भी शायद क्या होता है, कई बार ना जब गाड़ी नहीं आती है रोड पे, हाँ। इतनी देखने को नहीं मिलती आपको, आपने पहले उसको देखा होता है, धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे फॉर्च्यूनर को अडॉप्ट करने में टाइम लगा था जब ये मॉडल नया आया था, मेरे पास वो पुराने वाला था। तो धीरे 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 जब आपको दिखती हैं बहुत ज़्यादा, फिर आपके वो थोड़ा ऐसे लगने लगता है कि ठीक है। बट अभी जो मेरा पहला रिव्यू है, गाड़ी नो डाउट टोयोटा गया गाड़ी है तो अच्छी ही होगी, क्योंकि ये बेस्ट गाड़ियाँ बनाते हैं। बट अभी थोड़ी शेप में मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा चेंजेस किया है, थोड़ा उसका जो मस्कुलर लुक है उसको थोड़ा सा उसको स्पोर्टी लग्जरी बनाने के चक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल, बट अच्छी गाड़ी है, मुझे लगता है आप लेके आने वाले हो। हाँ जी, खबर मिली, मुझे पता चला है। चलो फिर बैठ के देखेंगे, फिर हां बैठ के देखते हैं। मैंने बोला था मगर इसमें डिफेंडर V8 आ जाएगी। हां वो भी, पर डिफेंडर तो चलो ठीक है, क्या नहीं भाई, एक तो डिफेंडर है ना घर में, मैं वही बोलने वाला था, एक डिफेंडर है घर में तो एक एलसी रहेगी, तो फिर दोनों ग्रुप में, मतलब अगर एक गाड़ी है तो आपके पास थोड़ी दूसरी डिफरेंट होनी चाहिए, सो आपको पता चलता रहे कि हाँ, एक साथ जब आए तो सारी गाड़ियां अलग अलग रहे। चलो भाई, पाजी को भी छोड़ ड्रॉप कर दिया उनके होटल पे, और भाई भी आज ट्रिप पे निकल रहे हैं, तो मिला जुला के आज का दिन अच्छा गया। अब यहाँ से निकलते हैं, सीधे जाते जी घर।